नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज 2 घंटे सभी पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, पेट्रोल पंप संचालकों ने ऐलान कर दिया है कि 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक दोस्तों सभी पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आज 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दोस्तों पेट्रोल डीजल नहीं ले पाएंगे। बंद के बीच प्रदेश में कुल 4900 पेट्रोल पंप शाम 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगे। आज पेट्रोल पंप के डीलर 2 घंटे दोस्तों हड़ताल करने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप के डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर कमीशन नहीं बढ़ा पाया तो डीलर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इसे लेकर डीलर्स ने पेट्रोल पंप कंपनियों को अल्टीमेट्स भी दोस्तों दे दिया है। मध्य प्रदेश में आज शाम 7 बजे से 9 बजे तक दोस्तों आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। वाहन मालिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों आप शाम 7 बजे से पहले ही अपनी टंकी फुल करवा लें, वरना आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ हर रोज़ 9 लाख लीटर पेट्रोल और 12 लाख डीजल दोस्तों खपत होता है। खास तौर पर शाम के वक्त में इन पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज पेट्रोल पंप बंद होने से शाम में पेट्रोल और डीजल लेने वाले ग्राहकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको इस समस्या से बचना है तो जल्दी से जल्दी आप पेट्रोल डीजल खरीदें। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ऐसे में MP में पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों को काफ़ी राहत हुई, लेकिन पेट्रोल पंप के डीलरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी के एवज में दोस्तों ये बंदी का ऐलान किया गया है। तो आप सभी दोस्तों इस टाइम से पहले ही पेट्रोल डीजल खरीद लें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट में बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।